वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है वेडनेसडे और आज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए, रेडी हो गई हूँ, मार्केट जा रही हूँ। कल थर्सडे है, कल से मैं साईं बाबा का जो व्रत है वो स्टार्ट करूँगी, तो इसके लिए मैं कुछ सामान लेके आऊँगी जो आप लोगों के साथ आने के बाद शेयर करूँगी क्या क्या लेके आई। और अभी हम निकल रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या ला। आ गई मार्केट से और ये सब लेके आई, क्या लेने गई थी और क्या लेके आई दिखाऊँगी बाद में। जैकेट हो गया मेरा इतने दिनों के बाद, बहुत ही खुश लग रही है, मिल नहीं रहा था, अभी मिल गया। अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में, जब टाइम मिलेगा खाना वाना बना दूँ फिर दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई। यहाँ पर मेरा, यहाँ पर मेरा हो गया है, धो लिया इसको अच्छी तरह से, उसको ना अभी फ्राई कर दूँ। रोही है और ये कौन सा है, ये कौन सा है उसका देखो गिर गया मेरा फिर से, ये देखो ये कौन सा वाला, इसको चोही। इसको वो खाएंगे बोले चोही। हो गया फिस धोने का, चावल इस साइड बिठा दिया, दूसरी साइड क्या कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, ये एक टीस्पून और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, हल्दी और नमक। 5-10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से, इसको मैरिनेट तो नहीं करूँगी, हल्दी नमक मिला के। अभी दूसरी साइड पैन बिठा दिया और इसमें डाल रही हूँ सरसों के ऑयल, जैसे मच्छी अच्छी तरह से फ्राई होगा। थोड़े ज़्यादा ले गई हूँ ऑयल, मच्छी डालने के बाद इसको एक साइड से हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा, फिर दूसरे साइड पलटा दूँगी। स्लो मीडियम फ्लेम में ही मैं इसको पका रही हूँ, हाई फ्लेम कर दूँगी तो ये जल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्लो मीडियम फ्लेम में ही पकाना चाहिए मच्छी को, नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दूँगी। दूसरी साइड में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून और थोड़ी सी, मतलब हाफ स्पून से भी कम सरसों, उसके साथ ये देखिए हाफ स्पून से भी, हाफ टेबल स्पून से भी ज़्यादा थोड़ा जीरा ले लिया, शाही जीरा। उसके साथ बहुत सारा लहसुन ले गई, जैसे कि 1.5 लहसुन था मेरा, उसके साथ 15-20 लहसुन का कोला होगा। वो 2 प्याज को ऐसे कट करके ले ली, उसके साथ 1 टमाटो और हल्दी के पाउडर 1 स्पून डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना दिया। और दूसरी साइड से ये मेरा मच्छी जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया, पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया था, इसको मैं निकाल रही हूँ अभी। ये देखिए मच्छी को निकालने के बाद सारे जो मच्छी है वैसे ही मैं फ्राई कर दूँगी। मच्छी को हमेशा मैं हल्का जो स्लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करती हूँ, आप भी वैसे ही करिए, नहीं तो अंदर से मच्छी कच्चा रह जाएगा। जो सारे मच्छी है वैसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। मच्छी फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, इसमें ले रही हूँ पंचफूरन। थोड़ी से चिड़कने के बाद यहाँ पे 2 बड़े साइज का प्याज को, मीडियम साइज नहीं बड़े साइज के प्याज को कट करके, ऐसे स्लाइस वाला कट करके रखी थी, इसको मैं डाल दूंगी। और इसके साथ थोड़ी सी नमक ही डाल दूंगी प्याज में, वो जल्दी गल जाए प्याज, इसीलिए 1 टीस्पून के जैसा नमक डाल रही हूँ। प्याज थोड़ी सी ब्राउन कलर होने के बाद इसमें मैं टमाटो डाल दूंगी, क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करते हैं, कड़वा लगता है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैं टमाटो को भी गला दूंगी,
प्याज के साथ ही दूसरी साइड में मेरा जो मच्छी का मुंडी है वो फ्राई हो रहा है। सारे मच्छी फ्राई हो गया था मुझे मेरा, और दूसरी साइड में ही मैं जो है एक आलू को भी फ्राई कर दूंगी ये मसाला होते होते। ये एक से डेढ़ मिनट ही इसको फ्राई करूंगी, ज़्यादा टाइम मस्टर्ड पेस्ट को फ्राई नहीं करते हैं। आप लोग भी कभी करते हैं तो कड़वा लगता है, तो ज़्यादा टाइम मस्टर्ड पेस्ट को फ्राई मत कीजिए, वो बहुत ही कड़वा लगता है। मैं बहुत लोगों से सुनी हूँ इसीलिए बोली हूँ कड़वा लगता है। ये एक से डेढ़ मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई करना है, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट को करते हैं। और हमेशा जो मस्टर्ड पेस्ट है मैं कभी अदरक नहीं डालती हूँ उसमें, लहसुन प्याज और टमाटो डाल के पेस्ट बनाती हूँ। दूसरी साइड में मेरा आलू भी फ्राई हो रहा है, यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मैं जो हरी मिर्च है वो नहीं, ग्रीन चिली जो है पेस्ट भी नहीं किया था। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हमारा मस्टर्ड पेस्ट में भी और मच्छी में भी हल्दी हमने डाला था, इसीलिए थोड़ी सी आलू के लिए ही बस हल्दी पाउडर डाला। उस हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी चला दिया, उसके बाद मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। जब भी मैं कुछ नॉन वेज आइटम बनाती हूँ गर्म पानी डालती हूँ मसाला को अच्छे तरह से फ्राई करने के बाद गर्म पानी डालती हूँ। ये देखिए पानी पूरे अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, कितना उबाल आ रहा है कैसे देखिए। उसी टाइम पे मैं डाल दूँगी जो फ्राई करके रखी थी आलू को, आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये मस्टर्ड पेस्ट वाला जो करी है फिश का ये ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप तो अदरक लहसुन का बना के खाए होंगे अदरक लहसुन पेस्ट वाला, ये मस्टर्ड पेस्ट वाला ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये मैं सारे फिश डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई मैंगो। जैसे पिकल बनाने के पहले मैंगो को ड्राई करके सुखा के रखते हैं, हमारे ओडिशा में उसको आम्बुलो बोलते हैं, तो वो डाल रही हूँ मैं, मेरी मम्मी के घर से लेके आई थी, मैं जब भी ओडिशा जाती हूँ लेके आती हूँ। इसको अभी थोड़ी सी धनिया के पत्ते से गार्निशिंग, मतलब अच्छे से धनिया से पत्ता डाल के अभी 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम में इसको बॉयल होने दूंगी, जिससे फिश के अंदर पूरा जो मस्टर्ड का जो मसाला है फिश के अंदर तक जाए। देखिए ऑयल पूरा निकल के आ रहा है, आपको इसको खाली 15-20 मिनट छोड़ देना है स्लो फ्लेम करके, सुंदर कलर आया है देखिए। हम टीवी देखते देखते अभी खाना खाएंगे, क्योंकि बेडरूम में है टीवी और कुछ मूवी लगेगा, मूवी के साथ ही खाना खाने के लिए जो मज़ा आता है इसलिए नीचे बैठ के खा रहे हैं। बस दो मुंडी, ये देखिए ये है हमारा, मेरा और ये है आदि का और उसके पापा का। मैं नहीं खाऊंगा, मैं अकेला खाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अकेले खाओगे और एक प्लेट लाऊं? ठीक है लाती, वो अकेला खाएगा तो टीवी इधर देखना हो जाएगा और खाना भी खा लेंगे। तो हमारा मूवी देखते देखते 3 घंटा कब बीत गया हमको पता ही नहीं चला, पूरा मूवी लास्ट तक 6 बज गया था फ्रेंड्स देख के। फिर मैं जाके चाय बनाई और चाय पी के तुरंत ही हम निकल गए, व्रत की सामान भी लेके आना था तो तुरंत ही हम निकल गए, मैं वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी। और जाने टाइम भी इतना जल्दी जल्दी में गए, शाम को 7:30 बजे जैसे कि मैं बोली थी दुकान सब बंद हो जाते हैं, तो फिर जाते जाते आदि ने बोला मेरे फ्रेंड के घर जाना है, उस दिन छुट्टी था तो इसलिए हमने सोचा ठीक है हम जाके थोड़ा फ्रेंड के घर घूम के आ जाते हैं, इससे बोल के हम फिर चले गए। यहाँ पर आशी और आदि दोनों बोले कि हॉरर स्टोरी सुनना है हमें, हॉरर स्टोरी सुनना है, तो इसके लिए हॉरर स्टोरी वो सुना रहे हैं, कितने हंस रहे थे दोनों बच्चे, इसीलिए मैं वीडियो बना डाली उन दोनों का। खाली चालू चालू होता है, वो बोलता है कि सुनो भैया, फिर वो पीछे देखता फिर भी कोई नहीं, उसका गर्दन ऐसे पकड़ा हुआ है, पैसे मुड़ के देख रहा है,
फिर अचानक से कहा बजा फिर वो आवाज पे डर जाता है। ठीक है, डरने के बाद क्या होता है, क्या क्यों लेके आए, फिर वो डर रहा है ना वो, फिर अचानक से वो पेड़ जोर से हिलने लगता है, फिर से पैदा करता है। ठीक है, जैसे ही देख भी नहीं रहा, खा लो सब, नीचे नीचे डालना चाहिए ना बेटा, डर क्यों रहे हो, देख हाँ। दे। फेंको मत उसको, नीचे मत फेंको, रुको मम्मी जल्दी, इधर वो इसके ऊपर मत दो, इधर नीचे डालो, हाँ नीचे डालो, इस साइड डालो, ड्रेन में मत डाल, रोटी नहीं खाएंगे, अरे मम्मी ये लो, खुला इधर दो, इधर दो, अरे खिलो, इधर मैं दे दूँगा, मत करो, ए फुल पापा को दो ना, अब मत, अरे मैं निकाल दूँगा तुम देना, आदि इनका नाम क्या रखा है आपने, चिंटू, तुम्हारा हाथ से छीन लेगा, ऊपर मत करना, ए रात को भोगना नहीं, खाना इतना सुंदर दे रहे हैं, बस रुक, इतना रात को सुला सुला नहीं दे देते हो, सोने नहीं देते हो, बस बस पेट फूल हो गया उसका, बस 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 खाने, इसको खाने दो, बस 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 हो गया हो गया, और मत दो, बस 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 करो आदि, बस करो, कल देंगे वो दूसरे वाला खाएंगे ना, दूसरा वाला नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी 10:20 हो गया है, 10:30 तक हम सो जाते हैं, जाके अभी थोड़ी सी काम बचा है मैं ख़त्म कर लूँगी, मुझे कल के लिए क्या क्या तैयारी करना है वो सब करके फिर सोने जाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, तो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।